ये इतना महंगा फोन तुम्हें किसने दिया है? मेरे बॉस ने दिया है। तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे अच्छा मोबाइल लेके दे सको। तुम्हारे बॉस के साथ अफेयर चल रहा है? मुझे पहले ही शक था। अभी तो अफेयर चल रहा है, आगे आगे देखो होता है क्या। और वैसे भी मेरा तुम जैसे गरीब के साथ गुजारा नहीं। हेलो सर। जी सर। यस ओके सर, अभी आई। एक्सक्यूज मी सर। जी मैं सेक्रेटरी की जॉब के लिए आई हूँ, ये है मेरा सीवी। ये जॉब फिल हो गई है, ये इंटरव्यू आज नहीं 6 हफ्ते पहले था और सिलेक्शन भी हो गई हुई है। जॉब फिल हो गई है, हायरिंग भी हो गई है, मुझे नहीं पता मुझे ये जॉब चाहिए, पैसे नहीं है मेरे पास। आप प्लीज कुछ कीजिए, मैं यहाँ से जॉब लिए बगैर नहीं जाऊँगा। देखिए ये जॉब अवेलेबल नहीं है, मैंने कहा ना ये जॉब फिल हो चुकी है, आप खामखा शोर मचा रही हैं। इसके लिए लड़की भी सिलेक्ट हो चुकी है। एक्सक्यूज मी सर, सर एक्सक्यूज मी, बात तो सुने। देखिए ये जॉब अवेलेबल नहीं है, आप खामखा शोर कर रही हैं। प्लीज कुछ करें, मुझे जॉब की बहुत जरूरत है, मेरे खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे सर। मैं क्या करूं, मैं कैसे आपको बताऊं, नहीं है अवेलेबल यहाँ से। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या हो रहा है? तुम इसे कैसे जानते हो? मैं इस कंपनी का मालिक और ये मेरा एम्प्लॉय। ओह ये कैसे हुआ? जब मैं तुम्हारी बीवी थी तुम्हारी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता था, तुम तो कंगले थे। अब तुम इस कंपनी के कैसे मालिक बन गए? ये हो क्या रहा है? कामयाब वही लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तुम्हें पता है मैंने कहा था मेरा आइडिया चलेगा, हिट होगा, और वो हिट हो गया। और मैं तुम्हारा मजाक उड़ाती थी और अब दुनिया वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हें पता है जो मेरा बॉस था जिससे मेरा अफेयर था उसने अपनी बीवी को तलाक भी नहीं दी। कुछ अरसा उसने मुझे यूज करने की कोशिश की और फिर किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व हो गया। तब मुझे समझ में आया जब मैं तुम्हारे साथ चीटिंग करती थी तो तुम्हें कैसा लगा होगा। खैर वो एक पुरानी बात है। हाँ हाँ तो वो बड़ी पुरानी बात हो गई है, क्यों ना नया आगाज किया जाए। अब तो तुम अमीर हो गए हो और तुम मुझ पे फिदा तो थे ही ना, और आज भी तुम मुझे कितना चाहते हो, है ना? गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। मैं तुम्हें एक बार आजमा चुका हूँ, दोबारा नहीं आजमाऊंगा। ये मेरी वाइफ नादिया, जब तुम पैसे ना होने की वजह से मेरा साथ छोड़ गई थी तो नादिया ने मेरा साथ दिया। हम दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की, जिसका नतीजा ये है कि आज हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, माशाल्लाह। जो लोग बुरे वक्त में ना साथ छोड़ देते हैं ना, वो अच्छे वक्त के मजे नहीं लूट सकते बगैर स्ट्रगल के।